Hey guys and welcome back to my channel. तो explanation को start करने से पहले please guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now let's start the explanation. Like a Hellcat. पार्ट 13 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि कांगचुल ने उस लेटर में लिखा था कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे जानबूझकर फंसाया गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस खूनी एंड प्रोसिक्यूटर हान के कॉल रिकॉर्डिंग्स को चेक करिए, क्योंकि ये बात कांगचुल को भी पता चल गई थी कि उस खूनी ने प्रोसिक्यूटर हान को कॉल करके कहा था कि मैं तुम्हें कोरिया का अगला प्रेसिडेंट बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे कांगचुल के बारे में काफी कुछ पता है। देन नेक्स्ट सीन में हम प्रोसिक्यूटर हान को देखते हैं जो कि अपने कुछ गुंडों को कॉल करके कहते हैं कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक नया प्रोजेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ हम कांगचुल को देखते हैं जो कि योंजो को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। योंजो जब काफी हैप्पी होकर कांगचुल से मिलने जा रही होती है तो वो इमेजिन करती है कि अब उसके डैड बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुके हैं एंड उनका फेस भी वापस आ चुका है। वहीं बैपून वर्ल्ड में पुलिस जाकर प्रोसिक्यूटर हान को भी पकड़ लेगी, क्योंकि उसने कांगचुल को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की थी और एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनने के लिए उस खूनी को भी जानबूझकर मार डाला था। आफ्टर दैट बैपून वर्ल्ड में सभी को ऐसा लगेगा कि जैसे कांगचुल मर चुका है, बट इन रियलिटी वो मरा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। और बैपटून वर्ल्ड में बिना किसी रीजन के मरने के बाद वो फिर से बैपटून वर्ल्ड का एक मेन कैरेक्टर बन जाएगा और इसी के साथ बैपटून डब्लू की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी एंड जिसके बाद कांगचुल रियल वर्ल्ड में मेरे पास वापस आ जाएगा और रियल वर्ल्ड में आते ही वो भी मेरी तरह एक इंसान बन जाएगा, ना कि किसी वेबटून का मेन कैरेक्टर। जिसके बाद कांगचुल मेरे डैड को भी मनाने की कोशिश करेगा, बट उन्हें मनाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना तो भरोसा है कि वो भी एक दिन हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे, क्योंकि एक दिन उन्हें भी इस बात पे भरोसा हो जाएगा कि कांगचुल भी एक इंसान है, ना कि कोई वेबटून कैरेक्टर जिसे उन्होंने बनाया है। हाँ वो बात अलग है कि ये दिन देखने के लिए कांगचुल को मेरे डैड को काफी ज्यादा मनाना होगा। एंड रही बात पाक सोबुंग की, तो वो ऑलरेडी हमारे साथ है एंड जब वो दोनों साथ में गेम्स प्ले करेंगे तब तो मेरे डैड को कोई भी हरा नहीं सकता, बिकॉज वो चीटिंग करने में एक्सपर्ट हैं, ना कि गेम में। एंड मुझे ये भी पता है कि ये सब देखने के लिए मुझे काफी दिनों का वेट करना होगा एंड एट लास्ट काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारी मॉम भी हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएंगी, रिश्ता नहीं रिलेशनशिप। जिसके बाद हम दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करेंगे एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और ये सब सोचते सोचते एट लास्ट हमारी योंजो कांगचुल के पास पहुंच जाती है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कांगचुल योंजो को बताता है कि मैं फिर से बैपटून वर्ल्ड में जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने बॉडीगार्ड से मिलना है एंड देखना है कि क्या वहां पे सब कुछ सही चल रहा है। योंजो कहती है कि क्या तुमने कॉफी का बिल पे कर दिया, तो जिस पर कांगचुल कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब एटलीस्ट मैं अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि बेचारी मेरी वाइफ अकेले काम करके पैसे जो कमा रही है। जिसे सुनकर हमारी योंजो वॉज लाइक ये हुई ना बात स्मार्ट हस्बैंडो वाली, तो जिस पर कांगचुल कहता है कि देख स्मार्ट तो मैं पहले से हूँ बट कभी घमंड नहीं किया। हाँ वो बात अलग है कि अभी मेरे पास रियल वर्ल्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मतलब कि मैं स्मार्ट तो हूँ बट मनीलेस। कांगचुल योंजो को प्रोसिक्यूटर हान के खिलाफ एक वॉइस रिकॉर्डिंग ड्रॉ करने के लिए बोलता है, ताकि वो प्रोसिक्यूटर हान को कांगचुल के मौत के इंजाम में फंसा कर जेल के अंदर कर सके। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे योंजो के प्रोफेसर भी आ जाते हैं एंड अपने प्रोफेसर को अपने सामने देख कर हमारी योंजो वॉज लाइक
बेटा आज तू तो गई, बिकॉज आज तुझे इस कहर से कांचुल तो क्या तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। और आते ही वो योंजो के डैड पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उनके वेबटून डब्लू में फिर से योंजो कैरेक्टर वापस आ गई थी। बट हमारे प्रोफेसर को तो योंजो से ज्यादा सो ही पसंद है। और ये सब देखकर हमारा कांगफुल वॉज लाइक, यार ये किस पागल खाने से भाग कर आया है। कांगचुल प्रोफेसर को रोकते हुए कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि योंजो काफी अच्छी लड़की है। जिसे सुनकर हमारे प्रोफेसर वॉज लाइक, क्या? क्या, क्या क्या कहा तुमने? अच्छा ये बताओ कि तुम कौन सी योंजो की बात कर रहे हो, कॉमिक वाली योंजो की या फिर इस योंजो की जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। और हाँ, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि मुझे इन दोनों में से कोई भी सीधी साधी नहीं लगती। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद एट लास्ट प्रोफेसर नोटिस करते हैं कि ये कांगचुल तो बिल्कुल बैपटून वाले कांगचुल की तरह दिखता है। आफ्टर दैट वो तीनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। और यहाँ पे हमारा कांगचुल वॉज लाइक, भाई बस कर, मार तो मत मुझे। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में बाहर देखते हैं, जहाँ योंजो कांगचुल को बैपटून वर्ल्ड में जाने से पहले उससे सेफ रहने के लिए बोलती है। कांगचुल जब जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में सोही दिखती है, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड देन योंजो को कॉल करके उसे ये सभी बातें बताते हुए पूछता है कि क्या अभी हम दोनों बैपटून वर्ल्ड में हैं? तो जिस पर योंजो कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम बैपटून वर्ल्ड में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में हैं। वहीं दूसरी तरफ जब योंजो घर वापस आती है तो उसे उसके डैड रूम के अंदर नहीं मिलते, जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान होकर पाक्सो बूम को कॉल करती है। बट पाक्सो बूम को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। योंजो कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने उसके डैड आ जाते हैं, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। एंड अपने डैड को अपने सामने कम्प्लीटली सही सलामत देखकर योंजो जाकर उन्हें हग कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ कांगचुल का बॉडीगार्ड उससे पूछता है कि भाई पहले तो मुझे ये बता कि आखिर तू आता कहाँ से है। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, चांद से। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद कांगचुल का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि आज मॉर्निंग में सोही ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें देखा है। सोही मुझसे कह रही थी कि उसने तुम्हें कार चलाते हुए देखा है, बट फिर अचानक से तुम पता नहीं कहाँ डिसअपीयर हो गए। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, ओ तेरी, ये हो क्या रहा है। इन शॉर्ट वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। काफी देर तक सोचने एंड समझने के बाद एट लास्ट कांगचुल को समझ में आ जाता है कि जब भी कांगचुल रियल वर्ल्ड में किसी कार्टून कैरेक्टर या फिर वेबटून के मेंबर को याद करता है, तब वो कैरेक्टर या फिर मेंबर वेबटून वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में भी आ सकता है, क्योंकि हमारा कांगचुल वेबटून वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कि मेन कैरेक्टर। ये सब याद करने के बाद कांगचुल काफी ज्यादा परेशान होकर अपने आप से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अनजाने में किसी को वेबटून वर्ल्ड से याद करके रियल वर्ल्ड में बुला लिया हो। वहीं दूसरी तरफ योंजो अपने डैड को सब कुछ बता रही होती है कि जैसे अब कांगचुल बहुत जल्द ही उस खूनी को मारने वाला है, और साथ ही साथ वो प्रोसिक्यूटर हान को भी जेल के अंदर करवा देगा। डैड के पूछने पर योंजो उन्हें बताती है कि अभी कांगचुल वेबटून वर्ल्ड में गया हुआ है। योंजो जब पाक्सो बूम को कॉल कर रही होती है तभी वो अपने डैड की आवाज सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। एंड यहाँ पे हम सभी को पता चलता है कि वो बंदा जो अभी सामने बैठा हुआ है वो कांगचुल के डैड नहीं बल्कि वो खूनी है। वो खूनी कहता है कि मैंने सोचा था कि आज मैं तुम दोनों को साथ में मार डालूंगा, बट मेरी फूटी किस्मत, क्योंकि कांगचुल तो यहाँ पे है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वेबटून वर्ल्ड में भी कांगचुल को पता चल जाता है कि वो खूनी जेल से डिसअपीयर हो चुका है, जिसके बाद हमें उसी टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो खूनी जेल से डिसअपीयर होकर बाहर आ जाता है। एंड देन रियल वर्ल्ड में एक पुलिस वाले को मार कर योंजो के घर पहुंच जाता है। एंड देन योंजो के डैड को अपने पास बुलाते हुए बिल्कुल उन्हीं की तरह रेडी हो जाता है।
वो खूनी योंजो पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने जितनी बार कांगशुल को जान से मारने की कोशिश की उतनी बार हमारी योंजो ने बैप्टून वर्ल्ड में जाकर कांगशुल को बचा लिया। वो खूनी कहता है कि मैंने यहाँ पे सभी बैप्टून्स को पढ़ लिया है एंड उन्हें पढ़ने के बाद मुझे भी पता चल गया कि आखिर कांगचुल रियल वर्ल्ड से बैप्टून वर्ल्ड में या फिर बैप्टून वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में कैसे जाता है। तो क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी? किसी और काम से नहीं बल्कि अपने हस्बैंड को फाइंड करने। वहीं दूसरी तरफ कांगचुल भी भागते हुए बैप्टून वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। बट अब बेचारे हमारे लड़की ब्यूटीफुल कर गए चुल को क्या पता कि दिल वाले तो दुल्हनिया ले गए। देन नेक्स्ट सीन में हम खूनी को योंजो के साथ बैप्टून वर्ल्ड में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ से योंजो के डैड उस खूनी के सभी ऑर्डर्स को बड़े आराम से फॉलो कर रहे थे। वो खूनी प्रोसिक्यूटर हान को कॉल करके कहता है कि कांगचुल अभी मरा नहीं बल्कि वो अभी भी जिंदा है। सो प्लीज अगर तुम भी मेरी तरह उसे पकड़ना चाहते हो तो फिर बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ। वो खूनी कांगचुल के डैड से कहता है कि अब हमें तुम्हारे उस लैपटॉप की कोई भी जरूरत नहीं है। सो प्लीज तुम अपने उस लैपटॉप को पूरी तरह से खराब कर दो। जिसे सुनकर योंजो के डैड पागलों की तरह बिल्कुल वैसा ही करने लगते हैं। कांगचुल जब योंजो को फाइंड करने के लिए घर वापस आता है तो वो योंजो के डैड के लैपटॉप एंड उनकी ऐसी हालत देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। और ये सब देखने के बाद उसे भी पता चल जाता है कि उस खूनी ने योंजो को किडनैप कर लिया है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगचुल को प्रोसिक्यूटर हान के रूम में देखते हैं, जहां हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल प्रोसिक्यूटर हान को दो तीन एक्शन सीन्स दिखाते हुए उनसे उस खूनी के बारे में पूछता है। बट हमारे प्रोसिक्यूटर हान तो अभी भी इसी सोच में पड़े थे कि आखिर कांगचुल मरने के बाद भी जिंदा कैसे है बे? कांगचुल के जाने के बाद एट लास्ट प्रोसिक्यूटर हान को भी समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और जिसके बाद वो भी कांगचुल को फॉलो करना स्टार्ट करता है। वो खूनी योंजो से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए काफी दिनों का वेट किया है क्योंकि हमारा कांगचुल तो तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका था, तो फिर तुम्हें तब मारने का क्या फायदा जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पहचान ही ना पाए। बट अब जब लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल को सब कुछ वापस याद आ चुका है तो फिर अब मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ क्योंकि कांगचुल के हर एक फैमिली मेंबर को मारना ही मेरे लाइफ का गोल है। योंजो जब उस खूनी को ये सब करने से मना करती है तो वो खूनी उससे कहता है कि रे पागल लड़की, तो किसने कहा था तुझे कि तू कांगचुल से शादी करके इस ड्रामा की मेन हीरोइन बन जा, और अब मेन हीरोइन बन ही गई है तो फिर मरना तो पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब कांगचुल योंजो के पास जा रहा होता है तभी सामने टू बी कॉन्टिन्यूड लिख जाता है, और जिसके बाद देखते ही देखते हमारा कांगचुल बैप्टून वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में पहुँच जाता है एंड देन अपना मोबाइल फोन ओपन करके योंजो के डैड की डब्लू बैप्टून को पढ़ना स्टार्ट करता है। योंजो जब उस खूनी से बचकर भागने की कोशिश करती है तो वो खूनी वहीं पे योंजो को अपनी गन से शूट कर देता है एंड देन बूम, क्योंकि गोली लगते ही हमारे योंजो की वहीं पे डेथ हो जाती है। वहीं रियल वर्ल्ड से कांगचुल ये सब बैप्टून की हेल्प से देख रहा होता है एंड देन फिर से बैप्टून वर्ल्ड में पहुंच जाता है। बट इस बार तो हमारा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो उस खूनी के पास पहुंचते ही उस पे काफी ज्यादा गुस्से से शूट करके वहीं पे मार डालता है। मतलब भाई, अगर बंदे को ऐसा गुस्सा पहले ही आ जाता तो फिर ये तो हमें भी नहीं पता कि आखिर हमारे खूनी भाई साहब का कब का गेम खत्म हो चुका होता। बट कोई नहीं, क्योंकि आज करे सो काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। गाइस, अगर आपने ये पहले से सुन के रखा है तो कमेंट करके बताओ, और अगर पहली बार सुना है तब भी कमेंट करके बताओ।
वेल, काफी देर तक सोच विचार करने के बाद एटलास्ट कांगचुल अंदर जाकर योंजो को फाइंड करने की कोशिश करता है, बट योंजो उसे वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलती, जिसे देखकर कांगचुल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगचुल को उसी प्लेस में बट रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ कुछ लोग उसे योंजो के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमने अभी अभी उस लड़की को हॉस्पिटल भेज दिया है, क्योंकि काफी ज्यादा खून बहने के कारण उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आफ्टर दैट हम कांगचुल को देखते हैं जो कि योंजो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, बट वो हमारे योंजो को याद करके काफी ज्यादा सैड होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगचुल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो अपने सामने योंजो को इतनी बुरी हालत में देखकर काफी ज्यादा रोता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 13 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।